फेंक गिर गया लग रहा है। अरे मेले के अंदर नहीं था, मेले से बाहर देख। अरे मेले में था, मैंने पहन रखा था, मुझे याद आ रहा है जब। A few moments later. सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू प्रैंक। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आया हुआ हूँ अभी रामलीला मैदान में द्वारका में, और यहाँ पे मेला घूमने हम लोग आए हुए हैं सभी फैमिली के साथ। और यहाँ पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं चैन पहन के गया हुआ था तो मैंने चैन अपने जेब में रख लिया है और अभी मैं प्रैंक करूंगा। अभी हम लोग निकल चुके हैं, मेला घूम चुके हैं, और जैसे हम लोग रास्ते में जाएंगे मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करके उसके साथ ही एक प्रैंक करने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। और रिएक्शन देखते हैं, तनु वैसे पीछे बैठे हुई है, उसका शक्ल तो दिखाई देगा नहीं बट उसका रिएक्शन देखना जवाब वाला होगा कि ये एक्चुअली में जो चैन मैंने पहन रखा था ना, ये उसका गिफ्ट था और अभी मैंने निकाल के कहीं सेट कर दिया है, और देखते हैं फिर कैसा होता है। और प्रैंक अच्छा लगेगा तो प्लीज यार लाइक कर देना। क्या करो बेटा तुम बार बार यार ऐसे क्यों करते हो, ऐसे करके रखो लो। कुछ नहीं झूली है, ये चढ़ी नहीं है, चढ़ी तो मैं भी नहीं हूँ, पहली बार मैं नहीं, मैं चढ़ी हुई हूँ, मैं चढ़े हूँ, एक बार चढ़ी हूँ। तो तनु मेरा चैन तेरे पास है ना? नहीं पागल हो गया क्या? सुबह पहन गया था मैं। हाँ है, क्या हुआ है? नहीं क्या अभी तो है ही नहीं। व्लॉगिंग कर रहा था तभी भी था, देख नेट व्लॉगिंग में देखिए था। हां व्लॉगिंग में था यार, क्या हो गया? टी शर्ट का अंदर था तो है और ये टी शर्ट का अंदर था, मैंने भी देखा था, पीछे बैठा था मैं, व्लॉगिंग में था यार। एक बार वीडियो को देख, वीडियो में था यार। इसी में चेंज करे थे ना कपड़े? अरे कपड़े चेंज किया था जब वहाँ गए थे तभी भी था। तो रास्ते में एक बार वीडियो तो खोल ले। थैंक यू, क्या लग रहा है? पता नहीं कहीं भीड़ भड़क का कार में तो था जब मैं यहाँ से गया हूँ, जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तभी भी था। अब मैं बोलूँ गली में देखना, उस गली में जो तुमने बनाया है, कौन सी गली? जैसे हम एंट्री मारे हैं कि आप आरती नंबर के आगे चलो, सीधा है, सीधा है जाते में तो यहाँ से राइट। अरे यहाँ से राइट, राइट जाते से मतलब तुमने बनाया था वीडियो यहाँ से। अच्छा राइट होगा, मेले के अंदर नहीं था, मेले से बाहर देख। मेले में था, मैंने पहन रखा था, मुझे याद आ रहा है जब। चल कोई बात नहीं, निकाल के हैं, बोलना ही बेकार है। मैं बोलती हूँ जा रहे हो तो मत पहना करो ये सब चीज, लेकिन पहन के ही जाएंगे, दिखाना है दुनिया को। तो दिखाने वाली क्या बात है इसके अंदर? दिखाने वाली क्या बात है कि जब पहनना है तो पहनना है, अब नहीं है तो नहीं है, चला गया चला गया। क्या गली वाली? कौन सी गली वाली? जैसी तूने कार में पार्किंग रोकी, हम गली में मिले तीन नंबर के लिए जाने के लिए। उस गली में तो ब्लॉग बनाया था, उसमें तो देख, उसमें आए कि नहीं है, फोटो खिंचवाए थे, देखना उसमें। अरे था उसमें, मैं देखा नहीं क्या अभी? फोटो में तो नहीं है, कार में तो है तेरा, कार से बाहर निकला है तो उसमें यहाँ शर्ट में। अरे जब वहाँ तक पहुँच गया वहाँ तक था। अच्छा है चलो,
अरे बाबू जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो वो वाली वीडियो तो दिखाई पर गली वाली मेरे को हाँ यार मेरी बात अच्छा रहेगा मजे में खोया कि मेरे से बाहर खोया है चल कोई बात नहीं अबे हैं अब ढूंढने जाएगा पागल हो रहा है क्या वहाँ इतना भीड़ में तो वो जब ये 10 रुपए की चीज जब गिर गई पता नहीं चल रहा था अब तो सोने के अब सोने की चैन को भी उठा छोड़ेगा क्या जो किस्मत में नहीं होता नहीं होता बात खत्म इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए लाइफ में ये बातें पापा को मत बताना तुम्हारे पास ही है बस मम्मी पापा को मत बताइए ये बात मम्मी खाना नहीं खाए टेंशन कम आ गए तन्नू क्या हो गया चैन ही खोया है ना मैं हूं ना हैं अरे क्या हो गया मुंह लटका ली हद वाली बात है यार मम्मी पापा से मत बताइए ये बात कि मेरा चैन खोया है फिर भी अंदर था बाहर से अब तू ना बड़बड़ा मत गाड़ी चला लेने दे बड़बड़ा मत समझ गई ना दिमाग मत खराब कर बिल्कुल सही जा रहा हूँ तो बना रहा ना अब वीडियो बन रही है वीडियो बना रहा है वही तो बोल रहा है मैं वहाँ पे जब गया था ना तो मैंने चैन निकाल के रख लिया था नहीं नहीं जब मैं गया ना अंदर तो मैंने चैन निकाल लिया कि भाई क्या पता भाई मेले का बात है मतलब क्या कह रही है क्या बता रही है बताती मेरे बेटे का चैन है ये पकड़ मेरे बेटे का चैन मुझे नहीं चाहिए तेरे बेटे का चैन पकड़िए पकड़ अभी पहन लूंगा ऐसे चैन से ना दस गुना बढ़िया है इसे मतलब देख रहे भाई मतलब चैन खो गई तो फ्री क्या आता है क्या फ्री का आता है मतलब दो मिनट में बता दूंगा फिर वीडियो का मजा नहीं आएगा 2 मिनट में सांसें रुक गई इसकी किसी का रुक जाएगा तुम्हारे लिए झूठ बोल रहा है तब मैं फोर्स करती हूं गली वाली वीडियो गली वाली वीडियो दिखा मेरे को सही प्रैंक हो गया इसके साथ मतलब भाई मतलब कि अगर कुछ खो जाएगा तो क्या मतलब कि तू खाना नहीं खाएगी इंसान से बड़ा पैसा देख ले लेकिन उसके लिए बड़ा पैसा है गाइस मैंने मजाक किया था इतने देर में आप लोगों ने देखा होगा कि कार के अंदर सन्नाटा आ चुका था कार के अंदर पूरा सन्नाटा था कि मेरा चैन खो गया और फिर ये गुस्सा हो गई थी मेरे पे तो इसका रिएक्शन अगर आगे बैठी होती तब मैं आपको दिखाता वैसे तो इसकी शक्ल देखने लायक है ही नहीं वो तो मुझे ही पता है लेकिन भाई क्या अरे खो जाता दूसरा जाता तो आदत पड़ गया इसका अभी लोग का कम मजाक कर क्या पता चल जाना चाहिए कि मजाक है कि सीरियस है डेली कोई ना कोई मजाक करता है ये सीरियस भी बोला तो मजाक ही समझे देख भाई मेरा मजाक ना पकड़ना बड़ा मुश्किल है इसको मैं तो समझ गई कि प्रैंक हो रहा है यहाँ पे तगड़ा वाला
और प्रैंक अपना करते रहे आगे बैठल और प्रैंक अपना सक्सेसफुल हो भी गया। चाची को सपने आ गई थी, चाची ऐसा ऐसा कर रही है माथा पर। हां तो मम्मी मम्मी का भी एक स्नेच हो चुका है, पहली बार एक बार हो चुका है जब टूट के चैन लटकी सकल बन चुका था वैसे तेरा ऐसे करके ये दूसरा है पकड़िया से उस पे मैं भी देख रही हूं पहले एक हो चुका है दूसरा था नहीं तो दूसरा था तो तेरी सकल क्यों बन गई थी सकल बन जाती है गिफ्ट है मेरे बेटे का सीधे मतलब कभी खुद तो देखा नहीं होगा कि सोने का चैन वैन मतलब दो मिनट में खो गया तो तुम्हारा मुंह बन गया इसे दस गुना अच्छा मेरे पास समझ गई दोबारा धमकी मत मुझे भी पता था कि तुम प्रैंक कर रहे हो कसम से मुझे पहले से ही पता था इनकी सकल बोल रहे थे सट क्या बोल रही थी मम्मी मम्मी क्या बोल रही थी तुम गाड़ी खड़ा करके जरूर गाड़ी खड़ा करके जरूर देखते हैं मम्मी क्या बोल रही थी ये बोले ना कि चलो घर बताती हूँ घर बताती हूँ मुझे पता चल गया था वीडियो बन रहा था वहाँ पे क्यों वीडियो गाड़ी खड़ा करके नहीं चेक करते पहले जरूर चेक कर नहीं खड़ा किया नहीं कुछ नहीं खड़ा किए थे चेक करते पहले मम्मी कोई पागल बोलेगा मैं पागल हूँ वैसे ये है ये पागल है मुझे कभी जिंदगी में नहीं मैं पागल हूँ ऐसे हाथ रख के व्लॉग बने व्लॉग में मेले की वीडियो डाले कौन देखेगा बोले तो सबको लगा ये चेक चेक करके जरूर गया है मेला में उतना भी वो नहीं था कि नोच ले उतना भी उतने में निकाल लेते हैं इंसान लेकिन तेरा शक्ल देखने लायक था तेरा शक्ल देखने लायक था कि तू रियलिटी में तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी चल नेहा ने पकड़ लिया था मेरा प्रैंक हो रहा था वैसे गली वाली वीडियो दिखा गली वाली वीडियो पे सन्नाटा हो जा रहा है तनु कह रही है मैं इनको घर पे बताऊंगी कि मेरा चैन दो मेरे मम्मी ने दिया है मेरे बुआ ने दिया है हैं कोई बात नहीं मैं शुरू में ही बोलने वाला था कि ये लोग बन रहा होगा तो मेरे फ्रेंड को ना चलने दे ऐसे ही थोड़ी देर मैं शुरू में बोलूंगा मजा नहीं आया लेकिन भाई कुछ भी हो अगर वाइफ का सामान अगर आप लोग उसे खो जाए ना तो आप लोगों का हाल क्या होगा रात को वो आप लोग जान सकते हो बढ़िया से मैं वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि मम्मी भी बैठी है और सब लोगों को अच्छी तरह से पता है जो जो नहीं बताता उसको ही पता है जो बता देता है वो तो भला आदमी है हेमंत भी नहीं बता सकता है ना हेमंत रास्ते में मिलेगा तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और रात के बज गए हैं 12 और प्रैंक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना सस्पेंस था छोटा सा प्रैंक था लेकिन ट्विस्ट था क्या पता चल गया था वीडियो के लिए बोल रही थी ना उसी समय मेरे को पता चल गया था क्या कि जरूर तुम क्या यदि चैन खोता ना और गाड़ी में की बात हो रही थी तो जरूर गाड़ी में ढूंढते इतना मुझे पता था कुछ पता नहीं था तेरी असलियत पता चल गई कि तू क्या सोचती है अगर तेरा अगर चैन में अगर खो जाता तो तू मेरे साथ क्या करती कसम से बता रहा हूँ मैं तेरा रिएक्शन देख रहा था मैं उस समय मैं कुछ नहीं बोलती तूने क्या बोली कि चलो घर पे बताती हूँ तूने ये बात बोली वो भी मम्मी के सामने मुझे पता चल गया था कि कोई बात नहीं तनु कोई बात नहीं आज के बाद अलग कभी कसम खाऊं कि तुम्हारा कुछ सामान छूऊं मैं नहीं तुम्हारा ही है अरे कोई बात नहीं मैंने आज देख लिया तुमसे छोटा सा बस एक प्रैंक किया तुम फंस चुके हो मतलब एक बात बताओ तुम्हारा 50,000-60,000 खोएगा तुम्हारा और मेरा बटा हुआ पता समझ में नहीं आएगा साला 500 के लिए घूमने गए और 50,000-55,000 खो के आ गए अरे यार तू खो गया तो क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते लेकिन लगता है तुमने बोला ना